हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रहरण व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, क्या ही यार, अभी तो वैसे भी 10:30-11 बज चुका है और आज है वट सावित्री। वैसे तो ये व्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा, यानी कि वट सावित्री के दूसरे दिन, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आहान का जो फीवर है वो कल रात से उसको फीवर चढ़ा है। हम परसों ही रायगढ़ से आए हैं और शायद उसी में ही पानी चेंज हुआ है, उसी कारण उसको दिक्कत हो गया है। तो मैं ना सुबह से कुछ नहीं कर पाई हूँ। जो थोड़ी मोड़ी तैयारियाँ हैं ये देखिए मेरी यहाँ पे रखी हुई है। मेरा घर का पूजा हो चुका है और बड़ के झाड़ का पूजा करना रहता है इसमें। तो मेरी प्लानिंग ना कहीं और जाने का था, एक जगह जाने का था, लेकिन आहन का तबीयत ख़राब है तो उसको कहीं लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास ऊपर बर का झाड़ है, मैं उसी में ही पूजा कर लूँगी। इसीलिए मैं इस बार कॉलोनी में किसी को नहीं बताई, नहीं तो इसके पिछले बार मैं कॉलोनी में पूरे कॉलोनी वाले हमारे घर में आके मेरे घर में आके किए थे। तो इस बार मैं सिर्फ उसी कारण नहीं बताई क्योंकि मेरा प्लानिंग नहीं था घर में करने का, अभी तक नहीं था 10 बजे तक। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बाबू का तबीयत जैसे कि ख़राब हो गया तो मेरे को घर में ही करना पड़ेगा, उसको लेके जाना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर मिलकर आज पूजा करते हैं। अभी जस्ट आहन खाया है, उसका फीवर उतरा है और मेडिसिन खाया, तो अभी वो 2 घंटे के लिए सेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 घंटा में जल्दी अपनी पूजा निपटा दूँ, तो चलिए फिर जल्दी जल्दी करते हैं। मैं जो हूँ इसी बालकनी में करने वाली हूँ पूजा, और मॉर्निंग दीदी सब क्लीन व्लीन करके धो दी है इसको। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक झूठी दूँगी छोटा सा, उसके ऊपर फिर बर का झाड़ रखूँगी। तो झूठी मतलब रंगोली होता है, तो हमारे में या तो आप चावल आटा से दीजिए या तो आप गेहूँ के आटा से दीजिए। दोनों जो है साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यानी कि छिया नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो अभी ना क्या हो रहा था, एक तो बहुत तेज़ हवा चल रहा था और झूठी जो मेरा बन भी नहीं रहा था। और एक्चुअली में क्या हुआ है, मैंने अभी अपना अनपैकिंग भी नहीं किया है, मतलब बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो मैं नहीं निकाली हूँ। तो मेरे पास ना साड़ी भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। और नई साड़ी ना, मैं दशहरे के समय जब रायगढ़ गई थी तब 5-6 साड़ियाँ लेके आई थी, तो उसमें से एक आध साड़ी ही पहनने का मेरा प्लान था। तो अगर साड़ी मिल रहा था तो साड़ी को का पेटीकोट नहीं मिल रहा था, किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, तो इसी तरीके से ना बड़ा ही दिक्कत हो गया था आज मेरे साथ। तो इन लोगों को मैं नाश्ता वगैरह दे दी थी, नाश्ता वगैरह दे के मैं बैठी थी। अब मुझे इसके बाद जस्ट खाना देना था इन लोगों को, तो बीच बीच में मैं जाके ना कुकर वगैरह चढ़ा चढ़ा के बार बार आ भी रही थी। तो नीचे ऊपर होते होते उसमें तो मेरी आधा हालत ख़राब हो गई थी, और बाबू के साथ भी हालत ख़राब हो गई थी, बाबू का भी जैसे तबीयत ख़राब था। तो मेरे लिए ना इस बार का जो वट सावित्री था वो काफ़ी कठिन रहा, व्रत के साथ साथ इतनी सारी दिक्कतें आ गई, तो मेरे साथ थोड़ा सा कठिन हुआ था। फाइनली मैं जो हूँ रेडीमेडी होके आ चुकी हूँ, और ये मेरे पास ना नई साड़ी रखी हुई थी तो मैं डाल ली, और देखिए मैं बार बार कुछ भी नहीं बनाई हूँ। ठीक है, अपन जो होता है तो ये देखिए इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो ये मैं लाख का चुनी, इसको मैं चढ़ा के खुद पहनने वाली हूँ। और हाँ, ये हमारे में मेन होता है, इसको बोलते हैं जीवछी। मतलब जब मैं शादी के बाद पहली बार वट सावित्री की थी तो इसके अंदर ना एक सुपारी को रख के अपन इसको वो करते हैं, इसको हल्दी में लेप करते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये हल्दी में नया हल्दी लेके आई हूँ। और 7 टाइप्स के फ्रूट लगते हैं इसमें, तो ये 7 टाइप्स के फ्रूट हैं, तो मैं सब आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अगर नियम पे आए ना तो हर छोटी छोटी चीज़ों के अलग अलग नियम होते हैं, तो मैं ना अपने नियम से करती हूँ, मतलब मेरी माँ जैसा करती है मैं वैसे ही करती हूँ। तो जीवछी को मैंने, जो सुपारी था उसको मैंने हल्दी वगैरह करके रख दिया, और इसी को पूजा करते हैं। फिर दूसरे दिन यानी कि कल मॉर्निंग में ना अलग से दो मैं छोटा सा छोटा छोटा और रखी थी, मैं दिखा नहीं गई हूँ आप लोगों को, तो दो अलग अलग छोटे छोटे हल्दी रखे हैं। उस हल्दी के पानी से दूसरे दिन कल यानी कि नहाना होता है। तो ये देखिए मैंने कलश में ना, मैं नीचे से पानी भर ली थी और गंगा जल, गंगा नर्मदा का जल मैंने उस पर डाल दिया था,
और इसको हम रख देते हैं, तो इसके नीचे मुझे झूठी देना था, हम लोग झूठी के ऊपर ही रखते हैं, बट वही है ना, खड़बड़ी में मैं सब भूल गई। तो और एक्चुअली में क्या, देखिए बाबू भी ये क्या है, वो क्या है, इससे क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, तो लगा हुआ था वो। तो अभी मैं क्या करूंगी, सात प्रकार का भोग, मतलब सात प्रकार के फल को सात जगह का भोग लगाना होता है, मतलब सात दोना में लगाना होता है। तो इसमें फरसा का दोना लगता है, और मैं आज मॉर्निंग जाने वाली थी, बट कुछ कारणों से आहन का जैसे तबियत खराब था, तो मैं निकल नहीं पाई मार्केट। तो यहाँ मिलता है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं 3 साल से करती आई हूँ, तीनों साल मैं प्लास्टिक का दोना यूज करी हूँ, मतलब यही पेपर का दोना यूज करी हूँ। तो रायगढ़ में हमारे यहाँ ना बेचने आते हैं मॉर्निंग में, जो मल्लिन होते हैं, जो माली लोग होते हैं, जो फूल वगैरह बेचते हैं ना, वो लोग वहाँ बेचने आते हैं मॉर्निंग में। तो 10 रुपए का सात, 20 रुपए के सात दोना, ऐसे वो लोग दे के जाते हैं। तो फरसा का ही इसमें सारा चीजें यूज होता है, मैं देखता हूँ जहां तक। तो माम जिस दिन मैं निकली ना वहां से, उसी दिन मामे को बोली कि तू ले आ करके, तो उन लोग क्या हुआ था, छूत हो गए थे, यानी कि अशुदा हो गए थे, उनके यहाँ बच्चा हो गया था, और इसीलिए मैं रायगढ़ में पूजा नहीं की, वरना मैं ये पूजा निपटा के आई थी रायगढ़ से, मेरा प्लानिंग था। तो वो लोगों को बच्चा, मतलब जिनको बच्चा होने वाला था, उनका ऑलरेडी डेट डिसाइडेड था ऑपरेशन का, इसीलिए वो लोग 29 तारीख को ही कराए, तो मैं 29 तारीख को ही मॉर्निंग में निकल के आ गई थी। इसमें ना हमारे में तेंदू और चार लगता है, तेंदू एक फ्रूट होता है, पता होगा आप लोगों को। तो ये तेंदू और चार मैं रायगढ़ से ले आई थी खरीद के, और ये देखिए 7 टाइप्स के फ्रूट्स आ गए थे मेरे पास। तो मॉर्निंग में मेरे पास 5 फ्रूट्स थे, तो मैं 2 फ्रूट्स नहीं थे, तो उसके लिए मैंने ना मूंग और साबूदाना को फुला के डाल दिया था। मैं ऐसा करती थी, हमारे फ्रूट्स कम होने थे, हम उसको डाल देते थे। तो जब आकाश बाद में मार्केट गए ना कुछ काम से, तो उस टाइम वो वाटरमेलन और लीची को ले आए, तो फिर मैं उसको भी चढ़ा दी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 फ्रूट्स हो गए या 5 फ्रूट्स हो गए तब आप पूजा नहीं कर सकते, यार श्रद्धा है तो सब है, मैं तो उसी पे बिलीव करती हूँ, और मैं अपने हिसाब से पूजा करती हूँ जितना मुझे आता है, बाकी भगवान की दया है मेरे ऊपर, ऐसा कोई कभी दिक्कत हुआ नहीं है मेरे साथ। तो फाइनली मेरी जो सारी तैयारियां हैं वो हो गई हैं, और हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, तो ये जो दूध है ये 108 दूध है, इसको फरसा के जो पत्ता होता है उसमें लपेट के रखा जाता है, और उसके अंदर ये जो है 108 चावल, तो इसको मैं आकाश को चढ़ाऊंगी, और ये जो है 11 धूप और 11 चावल, इसको मैं अपने जो कलर्स हैं उनको चढ़ाऊंगी। तो 2 दिया जलाएंगे, एक वर्ड जी के लिए और एक कलर्स जी के लिए, हर चीज दो करेंगे। और ये क्या करो, फोटो तो 1 मिनट चाहो, करके मैं फूल फूल संग्रह निकाल के रख रही हूँ। और ये देखिए, ये जो है चूड़ियाँ, ये 7 चूड़ियाँ हैं, तो मैं 7 राउंड घूमूंगी बड़ जी का, तो 7 चूड़ी, एक चूड़ी, एक हल्दी, और ये एक है बरत, ये बरत को मैं लेके घूमूंगी, और जो मेरा जिंछी रहेगा, मतलब ये जो है मेरे, इनके ऊपर मैं डालूंगी। इस तरीके से मेरा 7 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो है, ये है गौरी गणेश, हर पूजा में बनता है ये, इसको सुपाड़ी को हम वो कर लिए हैं रोली धागा में, और इनको भी मैं पूजा करूंगी। तो चलिए पूजा वगैरह फिर चालू करते हैं। तो घर में पूजा करने का ना यही एक डिसएडवांटेज होता है कि जो धागा, हम जो सूत रहता है, जो कच्चा सूत रहता है, उसको हमको पकड़ के 7 बार घूमना रहता है झाड़, मतलब पेड़ के आसपास। तो यहाँ घर में ना वही नहीं हो पाता, आप इतने छोटे से पौधे के आसपास कितना ही घूम पाएंगे, बट अब जब मजबूरी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान आपको कभी नहीं बोलते कि मुझे ऐसा पूजा करो, मुझे वैसा पूजा करो, भगवान तो ये भी नहीं बोलते कि मुझे पूजा करो, भगवान सिर्फ यही बोलते कि मेरी आस्था अपने मन पे रखो। तो मैं ना एकदम ऐसे ही हूँ, मतलब मेरे को जितना आता है मैं उतना ही करती हूँ। तो देखिए, मैंने ना बड़ के पेड़ में सुबह से कच्चा दूध रखा था, तो वो मैं कच्चा दूध डाल दी और सिंदूर वगैरह लगा दी उनको, सिंदूर चंदन जो भी है वो सब लगा दी। और बाबू का यहाँ पे नाक बह रहा था, मतलब सर्दी खांसी बुखार उसको हर चीज हो गया था, तो इसको दिक्कत हुआ था यहाँ से। हम जब स्टेशन से घर आए ना दोपहर को 2:30 बजे के आसपास, वो इसको दिक्कत कर दिया वहां से, तो वो एसी में आया था, और उतरे ना तब वो स्टेशन गाड़ी से, स्टेशन से गाड़ी तक जाने में जो हमको धूप लगा ना, वो काफी तेज धूप था, वही इसको थोड़ा सा पकड़ लिया है।
और बहुत वीक है आज भी। इनफैक्ट आज तो वर्षा मित्री का दूसरा दिन है, आज भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था मॉर्निंग से, उसको लूज मोशन जैसा हो गया है। उसके साथ होता है ऐसा कि उसको पास्टामॉल वगैरह दे दो ना, जो फीवर की मेडिसिन आती है, तो उसका पेट खराब हो जाता है उससे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो धूबी था, धूब जो है 108, तो वो मैं जीवछी में चढ़ाना चाहिए था उसको, मैं ऊपर पर रख दी थी, फिर मुझे अचानक से याद है कि उसको जीवछी में चढ़ाना है, जो मैं हल्दी का जो मैं बना के रखी थी उसमें, फिर मैं थोड़ा देर में उसको निकाल के उनके में चढ़ा दी थी। और जो कलश के लिए मैं अलग से 11 ठोक गिनी थी, वो भी मैं चढ़ा दी थी। और बस दिया बत्ती कर दीजिए और कथा पढ़ना होता है इसमें। तो मैं हिंदी का वर्षा वित्री का बुक रखी हुई हूँ, मैं हमेशा से अकेले करते आई हूँ। पिछले साल बस कॉलोनी में बस थे मेरे साथ, इस समय मैं अकेले ही करी। तो मैं बुक पढ़ती हूँ, बकायदा मैं कथा वगैरह सुन लेती हूँ आराम से बैठ के। और मेरे हिसाब से ना, पूजा का महत्व तभी पता चलता है जब आप उसके बारे में जाने। तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि इसकी स्टोरी क्या है, तो बुक वगैरह मैं पढ़ लूंगी अभी। तो ये देखिए, मैंने अपना जो भी है सब चीज चढ़ा वढ़ा लिया है, वो रहे मेरे गौरी गणेश, उनका भी पूजा कर लिया है। और दिया, दो दिया, एक दिया कलश के लिए, एक दिया बड़ झाड़ के लिए। और ये मेरा बेटा हाँ, जिसका तबीयत बहुत ख़राब है, उसके आप आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना बेटा, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो ये देखिए, ये जो बड़त है, अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैं इनका 7 राउंड घूमूंगी इसको पकड़ के, और साथ में इसको पकड़ के, और एक एक करके मैं डालते जाऊँगी जीवसी के ऊपर। तो करते हैं। तो बाकी टाइम पे ना, आहन को मैं छोड़ने से भी वो रह जाता है। आज उसको तबीयत खराब था तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, बस मेरे पीछे 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 घूम रहा था। तो मतलब कितनी सारी चीज़ें भूल गई। जब इनको पूजा करने का टाइम आया तो इनका मैं आरती वगैरह करी, इनके पैर का पानी पी ली, और मुझे पूजा वगैरह करके मैंने इनको प्रसाद पकड़ा दिया। फिर मैं उठ के जा ही रही थी और मुझे अचानक से याद आया कि अरे, मैं तो धूबी चढ़ाना भूल ही गई, जो मैं 108 धूबी उनके लिए करके रखी थी, फिर मैं धूबी चढ़ाई। तो ऐसा होता है, बच्चे के साथ भारी दिक्कत हो जाता है। तो फाइनली मेरा सारा घूमना हो चुका है। अब ये देखिए, मेरे पास एक कथा है, बड़ सावित्री व्रत कथा, अब मैं इसको पढ़ लूँगी। उसके बाद जो बड़त है, ये वाला पुराना बड़त, इसको मैं निकाल के सराहने में डाल दूँगी, ठंडा करने वाली जगह, या तो उसको रखते हैं, माँ से पूछूँगी, बहुत कन्फर्म नहीं हूँ, जो भी जैसा भी करते हैं। और ये जो नया बड़त है ना, इसको फिर मैं पहन लूँगी। और मैं सुबह से थोड़ा सा, इतना सा गुड़ वाला चाय ली थी, और मैं कुछ भी नहीं ली, और इस बूटे में मैं उनके पैर से पानी पी लूँगी, उनको मैं प्रसाद दे दूँगी, और उसी में से थोड़ा सा प्रसाद खा लूँगी, फिर मैं जाऊँगी माँ के पास, मेरी सास के पास। और हमारे में ना, शादी के जस्ट बाद जैसा कि जो हम खाते हैं उसको हर साल खाते हैं, ऐसा नियम है, वो शायद करवा चौथ का भी है। तो शादी के जस्ट बाद मुझे मेरी सास भरपूर खिलाती थी, मतलब मेरी सास कभी मुझे किसी चीज़ में मना नहीं करी। तो उन्होंने मुझे, वो हमारे में रहता है, मूंग का तिखरी, पालू, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी, सब चीज़ मिला सुबह से बना के भिजवा दी है वो। और आहान को हर साल वहाँ रहता है, वो मुझे पूजा में कभी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन वही ऐसा उसका तबीयत ख़राब हो गया तो माँ खुद से फोर्स नहीं करी, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि आहान को भेज देना अगर उसका थोड़ा सा बुखार उतरेगा तो, बट मैं नहीं भेजी। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से हम व्रत कथा पढ़ते हैं। तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि सावित्री जो थी अपने पति को यमराज से छीन के ले आई थी, तो यस, यही स्टोरी है इसकी। उनको अल्पायु का वरदान था, मतलब बहुत जल्दी उनका डेथ होने वाला था, तो सावित्री जो है अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी, वो उनके साथ चली गई यमराज से, यमराज के पास, और उनसे वरदान मांगा कि मुझे मेरा पति वापस कर दीजिए, तो उन्होंने वापस कर दिया था, ऐसे ही कुछ स्टोरी है उनका। तो फाइनली जो व्रत कथा है मैं पढ़ ली हूँ। एक मिनट, इसका तबीयत एकदम खराब है, अभी फिर से इसको फीवर चढ़ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपना काम। और ये देखिए, ये जो है इसको मेरे को बांधना है, तो मैं इसको बांध लेती हूँ। तो धागा वगैरह पहनने के बाद ना, मैं चली गई थी मेरी सास को प्रसाद देने, मेरी सासू माँ, मेरी चाची सास, सबको मैं उधर प्रसाद निपटा के आ गई थी। उसके बाद ही मैं खाना वाना, जो भी अपना फलाहार वगैरह लेना था वो ली, और चूड़ी वगैरह भी मैं पहन ली जो मैं चढ़ाई थी उनको। तो माँ को मैं ना चूड़ी, सिंदूर, जो भी सुहाग का सामान होता है वो मैं सब दे दी थी इस बार। तो मुझे नहीं पता दूसरे हस्बैंड कैसे होते हैं, आकाश की हैबिट है कि वो ना जल्दी से पैर वैर छूना या पैर वैर धोना जल्दी से पसंद नहीं करते, तो उनको मुझे बहुत बोलना पड़ता है कि आप बैठो, मेरे को पैर धोना है। और जो नियम है तो नियम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इस टाइम पे ना, पूजा करते करते पता नहीं हमारी मीना क्या समझी, मतलब जो मेरी मिट्ठू है, अचानक से पीछे से आने लगी, और काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो, मतलब
इंसान तो इंसान बेचारा, एक पक्षी भी जान रहा है कि ये पूजा वगैरह है करके। तो यहाँ पे ना मैं कुछ नहीं ली थी मॉर्निंग से, जैसे मैंने बताया था गुड़ वाली चाय और पानी, क्योंकि मेरा ना शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है व्रत वगैरह में, तो पानी वगैरह मैं कंटिन्यू पी रही थी। ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि आपको निर्जला व्रत रखना, कोई व्रत ऐसा जरूरी नहीं है, आप निर्जला रखें यार, मन सही तो सब सही, शरीर सही तो सब सही। तो यहाँ बाबू ना बार बार मुझे बोला था कि मुझे भी पूजा करो और मेरे भी पैर का पानी पियो। तो वो पता नहीं क्या समझ रहा था। तो ये देखिए मीना जो है आ गई थी और मैं उसके लिए ना फ्रूट निकालने के लिए मैं हाथ बढ़ाई, तो सिंदूर के लिए जब मैंने कहा तो आकाश मुझे मना कर दी, बोले नहीं उसको मत लगा, पता नहीं क्यों ऐसा माना कि मुझे भी आइडिया नहीं है। तो फ्रूट के लिए वो आई थी, उसको फ्रूट दिख गया था और उसको बहुत पसंद है, लीची को हमारी मीना बहुत चाव से खाती है। तो ये देखिए मेरा पूजा वगैरह हो गया अच्छे से और मैं अभी भी धूप नहीं चढ़ाई थी, मैं बाद में चढ़ाई उसको। तो फाइनली मैं जो हूँ सबको प्रसाद वगैरह देके आ गई हूँ और अभी समय है मेरा खुद का कुछ खाने का, लेकिन पहले मैं उसे आन को खिलाऊंगी, उसको मेडिसिन दूंगी, उसको सुलाऊंगी, फिर ही मैं कुछ खाऊंगी। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा उड़िया फलाहार, मतलब हम लोग उड़िया में जब हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं तो क्या खाते हैं, ट्रेडिशनल उड़िया। और माँ जो है बहुत टेस्टी बनाती है मेरे यहाँ फलाहार, तो पहले मैं आन को खिला देती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली अब है समय मेरा फलाहार करने का, उसको मैं दो टाइम देती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है, मैं व्रत कंप्लीट नहीं रख पाती। ये देखिए इसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है। तो इस डब्बे में ना मूंग का तिखरी भिजवा दी थी माँ, मतलब मूंग को ना हम क्या करते हैं रात भर फुला देते हैं और सुबह, मुझे एग्जैक्टली उतना प्रोसेस नहीं पता, बट पीस के ना इसका हलवा बनाते हैं, फिर इसको एक थाली में फैला देते हैं और कट करते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद जब वो जम जाता है तो जैसा हम वो बनाते हैं सूजी का बर्फी जैसा बनाते हैं वैसा ही है। और इसमें है पालो पनकरी, यानी कि दही में ना पालो जो रहता है, मुझे नहीं पता यार इधर पालो को क्या बोलते हैं, हमारे उड़ीसा में उसको पालो ही बोलते हैं, तो ये वही है। और इसमें दही रहता है, शक्कर रहता है, सब रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको मैं तो अच्छे से पी थी क्योंकि इसमें पेट ठंडा करता है। तो मेरा तो व्रत ऐसा ही रहा, काफी मुश्किलों के बाद मैंने व्रत किया और सफल भी रहा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो फलाहार होता है ये आप दोनों टाइम, मैं तो दोनों टाइम खा लेती हूँ, बट दिस टाइम मैं सिर्फ सुबह नहीं थी, शाम को मैं नहीं ले पाई थी, शाम को मेरी तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई थी, अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज से लग रहा होगा। तो कल व्लॉग आएगा कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो देखते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं, बाय।